प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से अपने विरोधियों को खुली चुनौती थी। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि भ्रष्टाचार करने वाला कोई व्यक्ति न बचे, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। मोदी गलती करता है तो मोदी के घर पर भी इनकम टैक्स ने रेड करना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीधी में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान से कांग्रेस के तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर वार करते हुए कहा, तकलीफ इस बात की नहीं है कि छापे में मिले करोड़ों रुपए कहां से आए, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि कांग्रेस के लोगों पर छापे क्यों पड़े। मुद्दा ये नहीं है कि रेड भाजपा के यहाँ हुई कि कांग्रेस के यहाँ हुई, मुद्दा ये है इतना सारा माल कहां से निकला, क्यों निकला, लेकिन उस मुद्दे की चर्चा नहीं करते। इनके चेले चपाटे चर्चा ये करते हैं कि कांग्रेस वालों के यहाँ रेड क्यों हुई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए और चुनावी घोटाले की बात की। पोषक आहार के लिए ये चौकीदार की सरकार दिल्ली से पैसे भेजती है, जो प्रसूता माता है उसको प्रसूता के समय 9 महीने अच्छा खाना मिले, गर्भ में जो बच्चा है वो भी तंदुरुस्त हो। लेकिन भाइयों बहनों, और ये ऐसे लोग हैं कि चौकीदार के रहते हुए भी चोरी करने की हिम्मत कर गए और उसने इस पैसे से तुगलक रोड चुनावी घोटाला कर दिया है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में आयकर विभाग के छापे पड़े थे। इस कार्रवाई में राज्य सरकार के करीबियों के घर से बड़े पैमाने पर पैसे मिले। पीएम मोदी ने इसी को मुद्दा बनाया और विरोधियों को लाजवाब कर दिया।